नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडार बॉय पर। दोस्तों, मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने दूसरा टॉपिक लेकर, और वो टॉपिक है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग क्लासेज है उत्कृष्ट कोचिंग क्लासेज, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा जहाँ तक माता के। तो उसमें हिस्ट्री के जो टीचर थे सुखदेव सर जी, जो पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर जो तराइन थे, जो तराइन का युद्ध है उस पर अपना प्रशिक्षण दे रहे थे। तो वहाँ पर कोई अपनी समाज का बंदा था, तो वो बार बार में वहाँ पर कमेंट कर रहा था कि सर, जो तराइन का युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था उसका क्या नाम था। तो उन्होंने कम से कम 10-15 बार ये कमेंट किया। तो जैसे ही सर की उस कमेंट पर नज़र पड़ी तो सर ने बताया कि भाई, जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें जो सेनापति था वो महाराजा खेत सिंह ढंडार थे। तो आप ये क्लिप भी यहाँ पे देखो, मैं क्लिप चला देता हूँ साइड में, तो आप ये क्लिप को देखिए एक बार, 30 सेकंड ये क्लिप है, फिर हम थोड़ी बात और करते हैं। कोई मेरा प्यारा सा भाई बार बार एक प्रश्न पूछ रहा था। मैं देख रहा था अभी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था। और क्या प्रश्न पूछा था? कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? ये प्रश्न भी पूछा था ना अभी, तो ध्यान से सुन लो भाई। खेत सिंह खंगार, सेनापति का नाम क्या था? खेत सिंह खंगार। जैसा दोस्तों आपने इस क्लिप में भी देखा कि सुखदेव सर ने बताया है कि ठंडार जो महाराजा खेत सिंह ठंडार थे वो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे। तो देखिए, इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारी वजह से, मतलब आज हम शिक्षित हुए हैं, आज हम समाज में एकत्रित हुए हैं सोशल मीडिया के जरिए, जो हमने कहीं ना कहीं से एक आवाज़ उठाई थी कि हमारा जो इतिहास है उसे दिखाया जाए, उसे पढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये इसका असर ज़रूर है, क्योंकि अब से 10 साल पहले हमें कहीं भी ये देखने और सुनने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब देखिए आपको हर जगह ठंडार शब्द, हमारा जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं से आपको सुनने और देखने को मिल ही जाता है, किसी भी तरह से या फिर कहीं ना कहीं से सुनने को ज़रूर मिलता है। और अब देखिए, मैगजीन वगैरह है, न्यूज़पेपर है, ये कहीं ना कहीं हमारे एकत्रित, हमारे संगठन होने की वजह से हुआ है। इसलिए ही समाज को संगठित रहने की ज़रूरत है, और हमें संगठित रहना ही होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।